हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेप से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अपना एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में करवा चुके हैं और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी है दिल्ली हिस्ट्री, मतलब दिल्ली के इतिहास के बारे में हम इस बुक में जानेंगे। एंड इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो है प्राचीन दिल्ली और उसके समीपी स्थान, तो इसके फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो एंड ये अपना थर्ड पार्ट होगा और इसके थ्रू जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का दिल्ली हिस्ट्री वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। देन अपन सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे। बाकी अदर बुक्स की भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो गाइस, इससे पहले की वीडियो में हमने कई सारे जो बातें हैं दिल्ली से रिलेटेड वो जानी थी, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों का सहारा लिया था उसके थ्रू हमें क्या क्या पता चला और दिल्ली का सबसे पहला शहर जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, युधिष्ठिर के द्वारा जो बसाया गया था। बाकी यमुना नदी के इतिहास के बारे में भी हमने जाना था जो कि दिल्ली में ही है। बाकी अगर हम बात करें मतलब दिल्ली के आसपास या भारत के बारे में ना हम इस वीडियो में जान रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है तिलपत, फिर उसके बाद हम हस्तिनापुर, पानीपत, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट कह रहा हूँ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तिलपत के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो देखो जो अपना टॉपिक है वो है तिलपत। महाभारत से ज्ञात होता है कि शांति के लिए और एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि यदि हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर आर्यवर्त मतलब भारत के अंतर्गत ही आता था, तो हस्तिनापुर पांडवों को, ठीक है, अगर देखो हस्तिनापुर की तरफ से कौन थे, भीष्म पितामह हो गए, अगर हम महाभारत की बात करें भीष्म पितामह हो गए और बाकी सारे के सारे जितने भी कौरव थे वो सारे के सारे हस्तिनापुर की तरफ थे और पांडव क्या थे, इंद्रप्रस्थ की तरफ से, मतलब इंद्रप्रस्थ कह रहा हूँ वो राज्य या फिर अपने की कुछ क्षेत्र की मांग कर रहे थे। अगर वो क्षेत्र इनको दे दिया जाता पांडवों को तो युद्ध नहीं होता, लेकिन क्या हुआ। तो देखो इसमें बताया गया कि महाभारत से ज्ञात होता है कि शांति के लिए और एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए, विनाशकारी युद्ध से मतलब है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसको टालने के लिए श्री कृष्ण जी ने यह प्रस्ताव दिया था कि यदि हस्तिनापुर मतलब यदि कौरव पांडवों को जो पांच थे, ठीक है, उनको इंद्रप्रस्थ मतलब कि दिल्ली, स्वर्णप्रस्थ मतलब कि सोनीपत, पानप्रस्थ मतलब कि पानीपत और व्याघ्रप्रस्थ मतलब कि बागपत और तिलप्रस्थ मतलब कि तिलपत नाम के केवल पांच गांव अगर वो दे देते हैं और उसकी सहमति दे देते हैं तो वह संतुष्ट हो जाएंगे और आगे कोई मांग नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करेंगे पांडव, ठीक है, ऐसा श्री कृष्ण जी प्रस्ताव देकर जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, दुर्योधन ने यह कहते हुए जोड़ दिया या जोरदार इनकार कर दिया था कि वह एक सुई की नोक की कीमत के बराबर भी भूमि नहीं छोड़ेगा, मतलब कि उनको एक सुई की नोक के बराबर की जो कीमत है उसकी भूमि भी नहीं देगा। इस प्रकार उस महान युद्ध के लिए मंच तैयार हुआ जिसके लिए महाभारत सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, मतलब कि महाभारत युद्ध फिर हुआ था। फिर देखते हैं इसके बाद बोला गया आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार तिलपत दिल्ली के अधीन एक प्रागना, ठीक है, परगना थी जिसने शाही खजाने में 30,77,913 बांधों का योगदान दिया और 400 पैदल सैनिक थे और बाकी 40 घुड़सवार और इसके अलावा एक ईंट के किले होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है आईने अकबरी के अनुसार है। बाकी सेनाओं की आपूर्ति की वर्ष 1658 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शासनकाल के तिलपत को तिलपत गढ़ी के नाम से जाना जाता था, मतलब कि शासनकाल के तिलपत जो है ना तिलपत उसको तिलपत गढ़ी के नाम से जाना जाता था जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, ठीक है, जो तिलपत नाम है उसको तिलपत गढ़ी के नाम से जाना जाता था, बस नाम में गढ़ी लगा दिया और कुछ नहीं। फिर देखते हैं 1669 में तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में तिलपत एक जाट विद्रोह का केंद्र बन गया था, ठीक है। तो इतने तिलपत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है, बाकी एक से दो पॉइंट आप इसमें लिख दोगे तब भी चल जाएगा। तो ये इतना तिलपत के बारे में था, तिलपत के बारे में आप दो से तीन इन्फॉर्मेशन लिख देना छोटी छोटी, फिर उसके बाद ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत, तो देखो पानीपत महाभारत के समय, ठीक है, महाभारत जब था तो उस समय पांडव
भाइयों द्वारा निर्मित पांच शहर जो प्रस्तों के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, हर किसी के आगे प्रस्त है, उसमें से एक था, ठीक है। पानीपत भी क्या था, पांडवों के द्वारा निर्मित किए गए पांच शहरों में से या गांव में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत की अगर पहली लड़ाई की बात करें, ठीक है, पानीपत के आसपास या पानीपत का जो इलाका है वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। और वो किस किस के बीच में हुई थी, तो वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में और साथ ही साथ तैमूर के सरदार जहीरुद्दीन बाबर के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जो मुग़ल सम्राट है ना, उनके बीच में ये लड़ी गई थी। पानीपत की इस पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोधी, ठीक है, द्वारा स्थापित लोधी शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इब्राहिम लोधी वगैरह जो भी ये चल रहे थे ना, लोधी परिवार या जो वंश है, वो शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम की 1 लाख से अधिक योद्धाओं की सेना को नष्ट कर दिया था, बड़ी गंदी तरह हरा दिया था, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और अकबर और सम्राट हेमूचंद विक्रमादित्य, ठीक है, इनकी सेनाओं के बीच ये जो दूसरा युद्ध हुआ था, जो हरियाणा के रेवाड़ी से उत्तर भारत के एक राजा थे जिन्होंने आगरा और दिल्ली के विशाल राज्य पर कब्जा कर लिया था। 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में मराठा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया था, ठीक है। इसमें मराठाओं का रोल है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अहमद शाह विजयी हो गए थे, लेकिन दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा ही हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था। जीवन की उच्च कीमत पर यह मराठों के इतिहास में सबसे नुकसानदायक युद्ध साबित हुआ था, ठीक है। मराठों ने बहुत अच्छे अच्छे मतलब युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं, लेकिन ये जो था वो नुकसानदायक युद्ध साबित हुआ था जो माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बोला गया संघर्ष के कारण उत्पन्न शक्ति शून्य भारत पर ब्रिटिश आक्रमण का कारण बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, संघर्ष हुआ तो लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि जो भी शक्ति थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई और बाद में ब्रिटिश ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन जो है वो शुरू हो गया था कुछ समय बाद। फिर आता है हस्तिनापुर के बारे में। अब देखो हस्तिनापुर के बारे में क्या बताया गया, हस्तिनापुर जिसका मतलब कि हस्तिनापुर में अगर हम हस्तिना देखें तो उसका मतलब हाथी और पूरे शहर, ठीक है। हमला पूर मतलब शहर होता है, हाथी हस्तिना हो गया और पूर मतलब शहर हो गया, इसका अर्थ है हाथी हो गया शहर। हस्तिनापुर का इतिहास महाभारत के समय का है, ठीक है। हस्तिनापुर महाभारत के समय था, जो कौरव वगैरह की मतलब कि कौरव जहाँ रहते थे वही है। किंवदंती के अनुसार अगर एक दूसरे तरीके से देखें तो शहर का नाम राजा हस्ती के नाम पर रखा गया था, एक राजा हस्ती हुआ करते थे उनके नाम पर हस्तिनापुर रखा गया था। बाकी कुछ का मानना है कि हस्तिना मतलब हाथी हो गया और पुर मतलब शहर हो गया, तो हाथियों का शहर है ये। हस्तिनापुर को महाभारत में कौरवों के कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में दर्शाया जाता है, मतलब कि हस्तिनापुर क्या थी, कौरवों के कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और हस्तिनापुर शहर में महाभारत की कई घटनाएं हुई है, मतलब अधिक से अधिक घटनाएं ना महाभारत की हस्तिनापुर में देखने को ही मिलती है। महाभारत के अनुसार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी रानी गांधारी ने इस शहर में 100 कौरवों जो थे या 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिया था। हस्तिनापुर के पास बूढ़ी गंगा पर दो स्थान द्रौपदी घाट और कर्ण घाट महाभारत के पात्रों का उल्लेख करते हैं, ठीक है। ये हस्तिनापुर के पास जो भी दो स्थान है, द्रौपदी घाट और कर्ण घाट, वो भी महाभारत के पात्रों का उल्लेख मिलता है वहाँ पे भी। अब इसके बाद देखो एक टॉपिक लास्ट जो अपना बचता है, दिल्ली का ऐतिहासिक शहरों के रूप में विकास या फिर कैसे हुआ था वो देखो। दिल्ली सबसे पुरानी हिंदू राजधानियों में से एक रही है, ठीक है। अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में लाल कोट का नगर दुर्ग बनवाया था, ठीक है। अनंगपाल तोमर है इनका पूरा नाम, तो इन्होंने 1060 ईस्वी में लाल कोट का नगर दुर्ग बनवाया था। फिर उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। पहले दिल्ली का बोलते थे, अब दिल्ली बोला जाता है, और धीरे धीरे दिल्ली का नाम क्या पड़ गया था, दिल्ली पड़ गया था। दिल्ली का सबसे पुराना शहर राय पिथौरा शहर है, ठीक है। दिल्ली का सबसे पुराना शहर है राय पिथौरा। तो ये अपना क्या था, दिल्ली के इतिहास के चैप्टर फर्स्ट के जितने भी वीडियोस हैं, मतलब कि 3 वीडियो है, तो ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है 3 वीडियो के थ्रू।